साल 2020 खत्म होने जा रहा है। इस साल हमारी जिंदगी में बहुत कुछ नया हुआ, बहुत कुछ अलग हुआ, बहुत कुछ अचानक भी हुआ। घरों में बंद लोगों के लिए सोशल मीडिया अपनी बात रखने और दुनिया से जुड़ने का इकलौता सहारा बन गया। कई लोगों ने इन प्रतिकूल स्थितियों में अपनी अलग पहचान बनाई। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं बिहार तक। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस साल बतौर बिहारी एक अलग पहचान बनाई है। गाय भैंस का चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा, अरमान रखल बा चैली पे कर्जवा डाहल खोरल बा, अर का बा बिहार में का बा, सफाई कर्मी नर्स नाही ई कैसन अस्पताल बा, सफाई कर्मी नर्स नाही ई कैसन अस्पताल बा, दवाई बीरो खातिर भैया झेले के बड़ी बवाल बा, अर का बा बिहार में का बा। इसमें सबसे पहला नाम आता है काबा गर्ल नेहा सिंह राठौर का। 2020 में बिहार में काबा सबकी जुबान पर चढ़ गया। कोरोना काल और बाढ़ की दोहरी मार झेलते बिहार में चुनाव की वजह से ये गाना और भी ज्यादा वायरल हुआ। लोक गायिका नेहा सिंह रातों रात इस गाने की वजह से स्टार बन गई। हर न्यूज चैनल पर नेहा छा गई। नेहा ने अपनी ठेठ बिहारी अंदाज में और व्यंग भरे लहजे में मौजूदा सरकार और पिछली सरकारों को खूब खरी खरी सुनाई, जिससे लोगों ने खूब शेयर किया। नेहा, I don't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma. It ball was turning down the leg. Look at the direction of the ball. It was slightly down the leg. The batsman was given LBW. This is no doubt a wrong decision on the part of the umpire. Rohit Sharma was stretching rather than dancing down the track. Look at the direction of the ball. It's going slightly down the leg, and he would have been given not out. And to my mind, I can't comply with the dismissal of the batsman Rohit Sharma in this one. पराठेदार अंग्रेजी में क्रिकेट कमेंट्री करने वाले टीचर वरुण देव बिहार चुनाव के दौरान अचानक ही फराटेदार अंग्रेजी में क्रिकेट कमेंट्री करते वरुण देव का वीडियो वायरल हो गया। लोग इनकी फ्लुएंट इंग्लिश देखकर इनके फैन हो गए। कहने लगे कि इनकी अंग्रेजी देखकर तो अंग्रेज भी पानी भरेंगे। वरुण देव पेशे से टीचर हैं, लेकिन बचपन से ही कमेंट्री करने का इनको काफी शौक था, जिसे वो वीडियो वायरल होने के बाद भी पूरा करना चाहते हैं। तीसरा नाम कैनाल मैन लौंगी भुइया। गया के लौंगी भुइया ने 20 साल मेहनत की और 5 किलोमीटर लंबी कैनाल अकेले ही खोद डाली, जिससे इलाके के लोगों को काफी सुविधा हुई। लौंगी की ये कहानी जैसे ही लोगों तक पहुंची, लोग उन्हें बिहार का दूसरा दशरथ मांझी कहने लगे। उनके वीडियोस वायरल होने लगे। उनसे जब सवाल किया गया तो वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ट्रैक्टर चाहिए। लौंगी भुइया की कहानी आनंद महिंद्रा तक पहुंची और उनको लौंगी की कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने लौंगी भुइया की ये ख्वाहिश पूरी कर दी। सोशल मीडिया सेंसेशन किरण यादव। फेसबुक पर अपने बेबाक विचार रखने वाली ये महिला 2020 में खूब चर्चा में रही। खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाली किरण यादव के ज्यादातर पोस्ट यूं तो राजनीतिक मुद्दों पर होते हैं। इनकी आलोचनाओं के कारण इनके पोस्ट खूब वायरल हुए। अरे कुर्सी इन कर दे, गद्दी में बसल पर आनबा, अरे काबा बिहार में काबा। तो ये थे वो बिहारी जो 2020 में इस कदर वायरल हुए कि दुनिया भर में इनके चर्चे होने लगे। आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।